आप सब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़म है। मैं आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। माशाल्लाह से जी, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इनके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। मैंने इसके लिए 2 कप सूजी ली थी। इस वाले कप के मेजरमेंट के हिसाब से दो कप सूजी ली है मैंने, और चीनी भी मैंने इसी कप के मेजरमेंट के हिसाब से ली थी, लेकिन चीनी जो है वो मैंने फाइन शुगर ली है। और इसको मैंने, ये मैंने 1.5 कप से थोड़ी ज़्यादा ली है और 2 कप से कम। वो आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि फ़र्क है इसमें क्वांटिटी का। इसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून जो है, ये इस टेबल स्पून के हिसाब से मैंने ये क्रश किया हुआ जो है नारियल पाउडर लिया है खुश जो है। और इसके अलावा मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए थे। इनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था पहले ही, और रोस्ट करने के बाद मैंने इन्हें क्रश कर लिया। और 3 टेबल स्पून ही मैंने किशमिश लिया, मैंने इसे रोस्ट नहीं किया। इसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून ही लिया है खुश्क दूध पाउडर, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो दूध लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, तो मैंने पहले से ही सॉस पैन में मैंने डाल लिया था 3 टेबल स्पून। मैंने ये देसी घी डाला है, तो इसे मैंने रोस्ट कर लिए थे अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो थे वो मैंने इसी घी में मैंने किए थे उनको ना, रोस्ट किया था। तो अब इसी में हम इंशाल्लाह अपनी ये जो सूजी है इसको रोस्ट करेंगे। और इसके लिए हमें घी बिल्कुल कम चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़्यादा घी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जी ये देखिए, मैं इसे अब आस्ते आस्ते रोस्ट कर रही हूँ। मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूँ कि हम सूजी के लड्डू बनाने के लिए कभी भी, एक तो हम घी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी घर में अवेलेबल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। घी क्वांटिटी हम बिल्कुल कम रखेंगे जी। और मैं जिस जिस मेजरमेंट के हिसाब से आपको जो जो चीज़ें बताती जा रही हूँ आपने बिल्कुल इसी को फॉलो करना, और इंशाल्लाह आपके सूजी के लड्डू बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, हमने ना मीडियम फ्लेम पे करना है ना फास्ट पे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे भी नहीं इसको लाना। ये बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ बनाने वाली रेसिपी है। तो अब हम इसको 7 से 8 मिनट तक रोस्ट करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो देखें माशाल्लाह से हमारी सूजी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। हमने इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। और जब हमारी सूजी इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसमें अब अपनी तमाम बाकी भी अशिया डालेंगे। ये देखिए क्रिस्टल्स की तरह ना बिल्कुल इसका दाना दाना अलग हो गया। और जब सूजी ज़रा चटकने लगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसकी अब भुनाई हो चुकी है, ये रोस्ट हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ये जो नारियल है, नारियल पाउडर हम डाल देंगे। अगर हम फ्रेश नारियल लेते हैं तो वो हम सूजी के साथ ही उसको रोस्ट करेंगे, लेकिन ये चूँकि नारियल पाउडर है तो इसलिए हमने इसको बस 1 मिनट भूनना है इसको, उसके बाद हम अपनी शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना 1/2 टीस्पून ये देखें मैंने डाला है इलायची पाउडर, ये हमने डालना है। इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम अपनी शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो देखें हमारी चीनी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और बस अब हम ये मिल्क पाउडर जो है ये डालेंगे। ये नीडो मिल्क मैंने लिया था और मैं ये ज़रूर डालूंगी इसके अंदर, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ज़रा क्रीमी टेक्सचर थोड़ा सा आ जाता है इसके साथ। मैं असल में इसमें दूध के बजाय बलाई डाली जाती है, लेकिन हमारे पास यहाँ बलाई तो है नहीं, ज़ाहिर है ना फ्रेश दूध यहाँ पर तो पैकिंग में मिलता है, तो इसलिए मैं फिर बलाई घर में जब दूध हम लोग बॉयल करते हैं तो ज़ाहिर उसके ऊपर पाकिस्तान में बलाई आ जाती है। तो ज़्यादातर जैसे सूजी के लड्डू में वो बलाई डाली जाती है दूध की जगह, लेकिन मैं दूध ही डालूंगी। अब मैं इसके साथ ये डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसको थोड़ा सा और हल्का सा रोस्ट करेंगे। किशमिश मैं ज़रा बाद में डालूंगी, जब ये ज़रा ठंडा हो जाएगा ना सारा मिक्सचर तो फिर मैं डालूंगी इसके अंदर किशमिश। जी तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। हमने इसका कलर डार्क बिल्कुल नहीं करना। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता से दूध डालूंगी और फिर हम इसको इस तरह ऐसे मिक्स करते जाएंगे, इस तरह मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स करें मैं तैयार करती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा सूजी के लड्डू का जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो रहा है। ये इस तरह इसने जुड़ना है, साथ इसकी बाइंडिंग होगी इस तरह से। जब ये इस तरह तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये दूध मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर डाला क्योंकि हमारा बैटर जो है वो ज़रा ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे दूध बिल्कुल मैंने 1 टेबल स्पून दूध और डाला है, इसलिए हम 3 के बजाय
4 टेबल स्पून दूध कर सकते हैं। अगर बलाई घर में मौजूद है तो आप प्लीज़ वो भी ज़रूर डालें। उसमें आप फिर दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दें और बलाई डाल लें 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है जी। ना तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल अब नीम गर्म है। अब हम इंशाल्लाह इसके लड्डू बनाएंगे। इससे पहले मैं ये किशमिश देखें मैंने अभी व्यूअर्स मिक्स की है, अब हम लड्डू बनाने शुरू करेंगे। मैं हाथों को ज़रा सा ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारे लड्डू जो हैं वो अच्छी तरह बन सकें। जी जनाब तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमने अपना एक लड्डू तैयार कर लिया है। इनकी हमने बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है और ये देखिए ये हमारा बैटर जो है ना इस तरह से अब माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अभी भी ये नीम गर्म है, इससे फिर लड्डू जो है बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं अब आपको सारे इंशाल्लाह लड्डू तैयार करके तो फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स तो मैं आपके साथ एक टिप और शेयर करती चलूँ कि ग्लव्स आपने इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने, क्योंकि ग्लव्स के साथ आपके लड्डू जो हैं वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हमने इसी तरह साफ़ सुथरे हाथों के साथ इन्हें बनाना है, इन्हें शेप देनी है। अगर हम ग्लव्स पहन लेंगे तो फिर शेप जो वो नहीं दी जाएगी। जी जनाब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें हमारे तमाम सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं 2 कप में। अभी मेरा बैटर और पड़ा हुआ है, मज़ीद बनेंगे इनमें लड्डू। और ये देखें माशाल्लाह कितने शाइनी, कितने सॉफ्ट और माशाल्लाह से खूबसूरत लड्डू बने हैं और बहुत मज़े के बने हैं। आप बिल्कुल इसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा। और व्यूअर्स जब आपका बैटर ज़रा ठंडा हो जाए, नीम गर्म हो बिल्कुल, यानी कि आप आराम से जिसे जब इसकी बाइंडिंग हो सके उस वक्त आपने लड्डू बनाने हैं और अपने हाथों को ज़रूर ग्रीस करके रखना है आपने, तो इंशाल्लाह आपके लड्डू इसी तरह बिल्कुल गोल और बहुत खूबसूरत बनेंगे। और ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट हैं लेकिन बाद में ये हल्के ऐसे हार्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे ये। तो आप इन्हें एयरटाइट जार में भी रख सकते हैं, आप इन्हें फ्रिज में रखें, बाहर रखें, जैसे मर्जी। और आपके गेस्ट आएँ तो उन्हें बनाकर खिलाएं और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मुझे आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।